Good morning, students. This is Ishwar Chokkar with you, and today we are going to discuss chapter 5 Mother's Day, which is written by J.B. Priestley. Everybody knows that this play has only five characters Mrs. Annie Pearson, the mother, the wife of the family, George Pearson, husband of Annie Pearson, Doris Pearson, daughter. Of George and Annie Pearson, and Cyril Pearson, the young son of Annie and George Pearson, and Mrs. Fitzgerald, the strict lady, the next door neighbor, the best friend of Mrs. Annie Pearson. So, let's read the chapter in details. The following play is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. जो ये प्ले दिया गया है एक हास्यजनक प्रस्तुति है वोमेन के स्टेटस की माँ के स्टेटस की माँ की स्थिति की परिवार में लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिसिज पियर्सन फैमिली रिएक्ट्स वेन सी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स आओ देखते हैं आओ पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे मिसिज पियर्सन का परिवार जो है

के उपनगर में बाहर तो एक्शन होते हैं आपको पता है मदर्स डे इज अ प्ले एंड प्ले में आपको पता है एक्शन टेक्स प्लेस एक्शन होते हैं कहाँ है लिविंग रूम ऑफ पियर्सन हाउस पियरसन परिवार के लिविंग रूम में है इन इन अ लंदन सब अर्ब लंदन के उपनगर में टाइम है द प्रेजेंट अभी का टाइम है सामने आपके टाइम जो है तो यही टाइम है द लिविंग रूम ऑफ द पियरसन फैमिली आफ्टरनून दोपहर बाद का टाइम है लिविंग रूम है पियरसन के परिवार का इट इज़ कंफर्टेबली फर्निश्ड अच्छे से फर्निश किया गया है घर मच लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल सबर्न सेमी डिटैच्ड विला सेमी डिटैच्ड विला है डिटैच सेमी डिटेच क्या होता है ज्वाइंट टू अनदर हाउस बाई अ वॉल और वन साइड दैट इज सात सातवार से एक अन्य मकान से जुड़ा हुआ विला है ये लिविंग रूम में है बैठक में है ड्राइंग रूम में है ये सेटिंग जो है आपके प्ले की इफ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज बट इट इज बेटर विथ टू वन अप लेफ्ट लोडिंग सॉरी लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड द स्टेयर्स एक दरवाजा तो फ्रंट डोर और सीढ़ियों की तरफ जाता है एंड द अदर इन द राइट वॉल किचन और एक राइट की दीवार की तरफ जाता है जो किचन की तरफ जा रही है एंड द बैकडोर और पीछे की तरफ जा रही है बैकडोर दरवाजे की तरफ पिछले देयर कैन बी आ मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन ऑफ द राइट वॉल वहां क्या है प्यारे बच्चों एक कवर किया हुआ पड़ता है देयर कैन बी मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू दोनों तरफ से कवर की हुई विंडोज है लेफ्ट वॉल की तरफ भी और संभवतः है राइट right की दीवार की तरफ भी द फायर प्लेस इज अज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल और फोर्थ जो चौथी यानी फोर्थ नंबर की दीवार है उसके सामने जो है फायर प्लेस है अंगिटी देर इज अट्टी अपराइट एक सेटी है सेटी आपको पता ही है प्यारे बच्चों सोफा कोच सोफा सेट एंड आर्म चेयर डाउन लेफ्ट और एक नीचे लेफ्ट की तरफ आर्म चेयर है एंड वन डाउन राइट और एक राइट right की तरफ नीचे और एक लेफ्ट की तरफ यानी आमने सामने दो चेयर है उन पे ही तो बैठेंगी मिसेस पियर्सन और मिसिज एनी पियर्सन और मिसेज फल अ स्मॉल टेबल विथ टू चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड एट द सेंटर एक छोटी सी टेबल दोनों चेयर की साइड में बीच में बीच में रखी है तो ये सिचुएशन हो गई वेन द करटेन राइजेस इट इज एन आफ्टरनून इन अर्ली ऑटम एंड स्टेज कैन बी वेल इट जब पर्दा उठता है दोपहर बाद का टाइम है ऑटम की स्टार्टिंग हुई है जो सीजन है ऑटम एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट और स्टेज पे अच्छे से प्रकाश है उजाला है मिसेस पियर्सन एट राइट एंड मिसेस फिजर एट लेफ्ट आर सिटिंग अपोजिट इच अदर एट द स्मॉल टेबल ऑन विच आर टू टी कप्स एंड साउसर्स एंड द कार्डस विद विच मिसिज फिजर पियर्सन फॉर्च्यून चाय के कप हैं मिसिस पियर्सन और मिसिज फिजराल्ड एक दूसरे के सामने बैठी हुई हैं और मिसिज है मिसिस पियर्सन को उसका भाग्य बता रही है क्योंकि मिसिज फिजराल्ड जो है सीज़ा फॉर्च्यून टेलर भविष्य वक्ता है मिसिस पियर्सन इज अ प्लेजेंट बट वर्ल्ड लुकिंग वुमेन इन हर फोर्टीज सुहावनी तो है लेकिन चिंतित दिखने वाली लेडी है अपने फोर्टीज की एज है मिडल एज है चालीस के आसपास की उसकी उम्र है मिसिस इज़ ओल्डर वो उससे थोड़ी बड़ी है दो वर्ड है बेटा एल्डर और ओल्डर एल्डर होता है ब्लड रिलेशन में बड़ा सगा भाई या बहन एल्डर और ओल्डर होता है जो ब्लड रिलेशन में नहीं है एज में बड़ा है तो वो ओल्डर हैवियर थोड़ी भारी है स्ट्रोंग मजबूत हैं एंड स पर्सनैलिटी मजबूर मजबूत उसका व्यक्तित्व है सिनिस्टर होता है डेंजरस डेंजरसिमिंग इविल और डेंजरस बुरी या खतरनाक दिखने वाली पर्सनैलिटी है तो वो कौन है मिसेज फिजियर सीज स्मोकिंग स्मोक कर रही है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइस मिसिज पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लोरिड सॉर्ट ऑफ टाउन मिसिस बियरसन तो बोल रही है हल्की भयभीत तरह की आवाज़ में विद अ टच ऑफ सब अर्न कॉकनी पर हैप्स उसमें एक टच है सब अर्न होता है उपनगर आउटस्कर्ट ऑफ अ सिटी और आपको पता है कॉकनी होता है पर्सन फ्रॉम द ईस्ट एंड ऑफ लंदन लंदन के पूर्वी छोर का व्यक्ति लहजा बदलता रहता है ना कुछ कुछ दूरी पे जाके प्यारे बच्चों आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है उसका लहजा बदल जाता है एंड मिसिज स्विजर विद अ डीप वॉइस गहरी आवाज़ है रदर आयरिस पर शायद उसकी टोन कैसी है आयरिस आयरलैंड मिसिज फिजरॉल्ड कलेक्टिंग ऑफ द कार्ड्स कार्ड्स कलेक्ट करते हुए मैं स्पीड में पढ़ रहा हूँ ध्यान से सुनना ईजी चैप्टर है दिस इज द डिस्कशन बिटवीन बिटवीन मिसिज फिजराल्ड एंड मिसिज पियर्सन मिसेस पियर्सन एक्सप्रेसिस हर डिस्टर्बेंस हर सफरिंग हर पेन विद हर फ्रेंड मिसिज फिजरल्ड एंड मिसिज फिजराल्ड टेल्स हर द श्यूशन तो देखते हैं क्या बातचीत चलती है दोनों के बीच में एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसिस पियर्सन कुड बी अ गुड फॉर्च्यून तुम्हारा हो सकता था अच्छा भाग्य कुड बी अ बैड वन और बुरा भी ऑल डिपेंड्स ऑन यूर सेल्फ नाउ तेरे ऊपर डिपेंड है ये प्यारे बच्चों दिस स्टेटमेंट इज ओनली फॉर यू ये आपके लिए भी है कुड बी डियर चिल्ड्रन कुड बी अ गुड फॉर्चून आई टेल यू कुड बी अ बैड वन ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ मेक अप योर माइंड एंड देर इज इज अपना दिमाग बना लो पढ़ाई शुरू कर दो आपका भाग्य आपके हाथ में है ये ये स्टेटमेंट आपके लिए है यहाँ मिसेज फिजरा मिसेज पियर्सन को कह रही है आपकी रिस्पेक्ट आपके हाथ में है आपका भाग्य आपका भविष्य अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है आप अपना दिमाग बना लो जैसा चाहोगी वैसा हो जाएगा मिसिज पियर्सन यस थैंक यू मिसेस फिजरल्ड आई एम मच ओबलाइज्ड आई एम श्योर इट इज़ वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्च्यून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू तो क्या आपने ये पूर्व से सीखा है ये देखो चाय के प्याले हैं प्यारे बच्चों और दोनों डिस्कसन कर रही हैं एंड विद द पिक्चर्स विद द फोटोग्राफ्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटीज़ द फिगर्स ऑफ बोथ द लेडीज लेफ्ट साइड है आपकी मिसेज फिजराल देखो फेशियल एक्सप्रेशन से ही दिख रही है कैसे बोल्ड सी पर्सनैलिटी है हंस के बात कर रही है हेयर कट देखो कितना स्टाइलिश है बड़ा स्टाइलिश हेयर कट एंड सी द राइट साइड सिटिंग लेडी हु इज इंटेंस सिचुएशन नॉट फीलिंग वेल डिस्टर्ब्ड पेनफुल कंडीशन सी इज एक्सप्रेसिंग हर ग्रिफ विद हर फ्रेंड मिसिज फिजराल्ड हु इज अ नाइस लेडी बोल्ड लेडी देखो आपकी दाई तरफ जो बैठी है लेडी मिसिज बियरसन उसके चेहरे के हाव भाव देखिए कैसी परेशान दिख रही है अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके तो आपको पता चल गया लेफ्ट है मिसिज फिजरल्ड और राइट है मिसिज पियर्सन पर्सनैलिटी से ही चेक हो जाता है मिसिज फिजरल्ड आई डिड ट्वेल्व ईयर्स आई हैड ऑफ इट हाँ मैंने सीखा है ये ईस्ट से बारह वर्ष पहले विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी अ लेटिनेंट क्वार्टर मास्टर मेरे ओल्ड मैन मीज मेरे हसबैंड ओल्ड मैन मीज यहाँ पे हसबैंड राइजिंग टू बी लिफ्टीनेंट क्वार्टर मास्टर्स हे लर्न अलॉट एंड आई लर्न अलॉट मोर उसने भी बहुत सीखा और मैंने उससे भी यादा बट विल यू मेक अप योर माइंड नाव मिसिस पियर्सन डियर अब मिसेस पियर्सन को कह रही है अपना दिमाग बना लिया क्या अपने हस्बैंड और बच्चों को सुधारने का put your foot डाउन अपने पैर ज़मीन पे मजबूती से जमाओ वंस एंड फॉर ऑल एक बार अच्छे से जमाओ और फिर हमेशा के लिए एंड be द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस एंड द बोस ऑफ योर ओन फैमिली अपने घर की मालकिन बन जाओ मिस्ट्रेस बन जाओ और बोस बन जाओ बोस भी मालकिन होती है मालिक होता है और मिस्ट्रेस भी घर की मालकिन ही होती है तो अपने पैर अच्छे से जमाओ अपने डिसीजन स्थिर रखो और अपने घर की मालकिन बन जाओ मिसिज पियर्सन स्माइलिंग अपोलोजेटिकली हंसते हुए और क्षमा प्रार्थना करते हुए दैट्स इजियर सेट देन डन कहना आसान है करना मुश्किल है बिसाइड्स आई एम सो फाउंड ऑफ देम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ अपने हस्बैंड को भी बहुत चाहती हूँ और अपने दोनों बच्चों को भी जैसे आपकी मदर प्यारे बच्चों आपके पापा को भी बहुत स्नेह करते हैं और आपको भी चाहे आप उनके प्रति थाटलेस हैं कुछ न सोचते हैं और आप स्वार्थी भी हैं तब भी दे डोंट मीन टू बी उनके कहने का मतलब ये नहीं है मीन्स डोंट डोट डोन्ट सी वॉन्टेड टू तो से समथिंग बट इन द मीन वाइल मिसिज फिजर कटिंग इन बीच में ही रोकते हुए मे नोट बी नहीं भी हो सकता बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली अच्छा हो यदि तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर करें मिसेस येस आई सपोज इट वुड इन अ वे मिसेस फी जेड नो डाउट अबाउट इट एट ऑल हु इज़ द बेटर फॉर बींग स्पोइल्ड ज़्यादा कौन बिगड़े हुए हैं मुझे ये बता दो बस एक बार ग्रोन मैन आपके हसबैंड लैड लड़का और गर्ल लड़की तीन है ना बेटा तो मिसिज फिजराड इज आस्किंग अबाउट द मोस्ट स्पॉइल्ड पर्सन ही वुड बी ग्रोन मैन ग्रोन मैन मींज हसबेंड लैड मीन्ज लड़का साइरिल और गर्ल या लड़की डोरिस नो बॉडी या कोई भी नहीं बताओ ंक इट डजेंट सीम इट डजेंट सीम गुड वैन यू रन आफ्टर दैम ऑल द टाइम टेक दियर ऑर्डर्स एंड इफ़ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस स्टे एट होम एवरी नाइट वेल दे गो आउट इंजॉइंग दैम सेल्फ देखो तुम उनके ऑर्डर लेते लेते हो उनके पीछे पीछे भागती रहती हो और वो सारा दिन बाहर रहते हैं रात को पार्टी में जाते हैं और आपको अकेली घर पर छोड़ जाते हैं वेल दे गो आउट इंजॉइंग दैम सेल्स नेवर इन ऑल योर लाइफ कभी एक बार भी आपको बाहर नहीं ले गए इट्स द रुइन ऑफ दैम एज वेल एज यू ये उनकी भी बर्बादी और ये देखो पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं हर रोज पार्टियों में जा रहे हैं बाहर रहते हैं घर पर रहते नहीं घर का खाना नहीं खाते और आपकी भी बर्बादी है हस्बैंड सन्स डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स नॉट गिविंग दैम ऑर्डर्स एंड ट्रीटेड दैम लाइक डर्ट आपके लिए प्यारे बच्चों ये यू शुड डिस्कस दिस स्टेटमेंट अमंग द फैमिली मेम्बर्स प्यारे बच्चों ये स्टेटमेंट आपको परिवार के सदस्यों के बीच में कहनी चाहिए कि हसबेंड्स जितने भी पति हैं सन्स जितने बेटे हैं डॉटर्स जितनी बेटियां हैं शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स उनको ध्यान रखना चाहिए पत्नियों का यानी हस्बैंड को तो पत्नियों का ध्यान रखना चाहिए बेटे और बेटियों को माताओं का ध्यान रखना चाहिए नॉट गिविंग दैम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग दैम लाइक टर्ट उन्हें आदेश नहीं देना चाहिए हर टाइम अपनी पत्नी को या अपनी मदर को आदेश मत दो और उनके साथ व्यवहार मत करो जैसे कि वो कोई गंदगी हो डर्ट हो एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो वट आई मीन और मुझे ये भी मत बताओ कि यू डोंट नो वट आई मीन कि जो मैं चाहती हूँ उसका क्या मतलब है और वो तुम्हें पता नहीं फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी जितना तुमने मुझे बताया है ना मिसिज फिजराल्ड कह रही है उससे ज़्यादा जानती हूँ मैं मिसिज पियरसन डबियसली संधेह में पड़ते हुए थोड़ा परेशान होते हुए असहज होते हुए डियसली यस डाउटफुली संदेह पूर्ण तरीके से संदेह में पड़ते हुए क्या कहती है आई कीप आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट मुझे संकेत देना यानी हिंट देना जारी रखो मैसेज फिर हिंट तुझे संकेत दू इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स संकेत देने की बजाय तेरे परिवार को और चीज़ों की ज़रूरत है मिसिस पियर्सन मिसिज पियर्सन फिर डफियसली फिर डाउटफुली आई सपोज इट इज़ वट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस देखो टाइट तो मदर बन सकती है आपके साथ बच्चों लेकिन वो नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ बुरा हो अनप्लीजेंटनेस ऐसुहावनापन बुरी भावना या बहस बैड फीलिंग्स और ऑर्ग्यूमेंट्स सभी फैमिली बचती हैं इस चीज़ से एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट यह भी मुश्किल है कहाँ से शुरू किया जाए आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन सी ग्लैंसेज एट हर वॉच और एट अ क्लॉक वॉच की तरफ देखती है और वॉल क्लॉक की तरफ ओह गुड ग्रेशियस लुक एट द टाइम नथिंग रेडी एंड दे विल भी होम एनी मिनिट्स एंड प्रोपरली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन अरे देखो कुछ भी तैयार नहीं हुआ है और वो किसी भी क्षण यहाँ आते ही होंगे और देखो उन्हें जल्द भी जल्दी भी होगी बाहर जाने की मिसिज पियरसन टेंसन में है एज सी इज़ अबाउट टू राइट जैसे वो उठने ही वाली थी चेयर से मिसिज फिजराल रिच इज आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्सर डाउन मिसिस फिजराल उठ के टेबल के दूसरी तरफ जाती है और उसको जोर से झटका दे के नीचे बिठा देती है तो नीचे बैठ जा मिसिस फिजरल लेट दैम वेट और लुक आफ्टर दैम सेल्स फॉर वंस कुछ क्षण के लिए उन्हें इंतजार करने दो और उन्हें अपना ध्यान रखने दो दिस इज वेयर योर फुट गोज डाउन यही जगह है तो बस पैर जमा ले यहीं स्टार्ट नाउ अभी से शुरू कर दो सी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन सी हैज जस्ट फिनिश्ड उस एक सिगरेट में से उसने दूसरी सिगरेट जलाई जो अभी अभी फिनिश हुई है देखो कितना स्टाइलिश वे है मिसिस पियर्सन एम्बरेस्ड परेशान होते हुए शर्माते हुए लज्जित होते हुए एम्बरेस्ड होता है साई या ऑकवर्ड या असेम्ड सिचुएशन। मिसेस मिसिस आई नो यू मीन वेल इनफैक्ट आई एग्री विद यू बट आई जस्ट जस्ट कांट मैं जानती हूँ तो क्या कहना चाहती है लेकिन मुझे पता है मैं सहमत भी हूँ आपसे लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती अपने बच्चों के साथ मैं टाइट नहीं हो सकती एंड इट्स नो यूज यू ट्राइंग टू मेक मी और मुझे तुम ऐसा बनाना चाहती हो ना स्ट्रिक्ट मैं नहीं बन पाऊंगी इफ़ आई प्रोमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद देम आई नो आई वुडेंट बी एबल टू कीप माई प्रोमिस यदि मैं वायदा करती हूँ ना आपसे कि मैं टाइट रहूँगी स्ट्रिक्ट बन पाऊँगी तो मैं आपको बता देती हूँ मैं आपको कह दूंगी कि मैं टाइट रहूँगी लेकिन मैं टाइट नहीं रह पाऊँगी मैं अपना वादा नहीं निभा पा पाऊँगी मिसिज फिजर द लेट मी डू इट फिर मुझे करने दे तू नहीं कर सकती तो मुझे करने थे अभी मैं मैं कर देती हूँ तेरे फैमिली मेम्बर्स को ठीक मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड फ्लस्टर्ड होता है नर्वस एंड स्पेशली बाय देम अ लॉट टू डू किसी से अधिक कराने की कहकर उससे घबराहट तथा व्याकुलता उत्पन्न होना फ्लस्टर्ड होता है आप किसी से कुछ कराना चाहते हो और तब आपको वो कराने में आप कह दो ना भाई इस फ्रेंड की पिटाई करनी है तो वो पिटाई करने की बात कहकर जो आपके अंदर भय पैदा होगा ना उस भय को बोलते हैं फ्लस्ट ओह नो थैंक यू वेरी मच मिसेस फिजरा बट दैट वुडेंट डू एट ऑल आप नहीं करेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा आई कुडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स दे वुड प्रेजेंट इट एट वंस एंड वुडेंट लिसन यदि कोई ऐसा कुछ करेगा तो दे वुड रिसेंट इट एट वंस वो इसको तत्काल समझ जाएंगे रिजेंट होता है बुरा लगना यहाँ पे फील बीटर और एंग्री इससे उन्हें बुरा लगेगा एंग्री फील करेंगे परिवार के सदस्य रिजेंट मीन्ज होता है नाराजगी बुरा लगना एट वंस एंड वुडेंट लिसन और वो सुनेंगे भी नहीं एंड रियली आई कूडेंट ब्लेम दैम और मैं उन पे भी ब्लेम नहीं लगा सकती थी आई नो आई ओट टू डू इट बट यू सी हाउ इट इज सी लुक्स अपोलोजेटिकली अक्रॉस द टेबल स्माइलिंग रादर मिजरेबली प्रार्थना करने के लहजे में वो टेबल के दूसरी तरफ देखती है स्माइल करती है रादर मिजरेबली एसहज होते हुए मिसिस बूली कोली <laughs> कोली मीज यहाँ पे एक तरह से थोड़ा उसका मजाक बनाते हुए शांत होते हुए यू हैवंट कॉट द आइडिया तो मेरी बात ही नहीं समझी मिसिस पियर्सन बी विल्डर बी मिल्डर मीन्स कन्फ्यूज ओ आई एम सॉरी आई थोट यू आस्ट मी टू लेट यू डू इट मैंने सोचा आप मुझे कह रहे थे मुझे पूछ रहे थे आई थॉट यू आस्ट मी टू लेट यू डू इट कि मैं तुम्हें ये करने दूँ मिसेस फिजर्ड आई डि मैं ये करूँगी बट नॉट एज मी एज यू लेकिन मैं बनकर नहीं तुम बनकर मिसेस मिसिस में बट आई डोंट अंडरस्टैंड यू कूडेंट बी मी मैं नहीं समझ पाई तुम कैसे बन सकते हो मैं मीन्स तुम मैं बन ही नहीं सकते मिसिज फिजर्ड कूली फिर श्यांत होते हुए वी चेंज प्लेसेज हम पर्सनैलिटीज़ बदल लेंगे और रियली really बॉडीज़ और वास्तव में शरीर बदल लेंगे यू लुक लाइक मी आई लुक लाइक यू मैं तुम मुझ जैसी दिखोगे मैं तुम जैसी दिखोगी मिस पियर्सन बट दैट्स इम्पॉसिबल मिससेज फिजर्ड हाउ डू यू नो एवर ट्राइड इट तुझे कैसे पता इम्पॉसिबल है कभी कोशिश की है नो ऑफकोर्स नोट नहीं कोली आई हैव मैंने की है नॉट फॉर सम टाइम बट इट्सटिल ऑट टू वॉक वॉन्ट लास्ट लॉन्ग ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बट लॉन्ग इनफ फॉर वॉट वी वॉन्ट टू डू इतने टाइम तक जब तक हम इसको पर्सनैलिटीज को चेंज कर, कर रखे रखना चाहेंगे लर्न इट आउट ईस्ट मैंने ये सीखा है ईस्ट से ऑफ कोर्स वेयर दे आर गिव अप ऑल दी ट्रिक्स जब सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं तो वहाँ पर्सनैलिटी चेंज करके काम बनता है सी होल्ड्स हर एंड हैंड आउट अक्रॉस द टेबल उसने टेबल के आठ दूसरी तरफ बैठे बैठे उसका हाथ पकड़ा कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ अपने मुंह में सिगरेट लिए हुए गिव मी योर हैंड्स डियर गिव मी मीन्स गिव मी देखो गिम मी जी आई डबल एम ई गिमी मीन्स यहाँ पे गिव मी डिफरेंट लैंग्वेज है तो गिम मी योर हैंड्स डियर गिमी मीन्स गिव मी प्यारी अपने हाथ दो मिसिज पियर्सन डबियसली फिर परेशान होते हुए असहज होते हुए डबियस होते हुए वेल आई डोंट नो इज इट राइट क्या ये ठीक होगा मिसिज फिजर इट्स योर ओनली चांस गेव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट एक ही चांस है मुझे अपना हाथ अपने हाथ दो और एक क्षण के लिए एक मिनट के लिए चुप हो जाओ जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनी थिंग कुछ भी मत सोचो टेकिंग हर हैंड्स नाउ लुक एट मी मेरी तरफ देखो दे स्टेयर ऐट इच अदर एक दूसरे को टकटकी लगा कर देखने लगे मटरिंग अरस्टा डम रस्टा लम रस्टा लम्बोना क्या खुशफुसाहट की उसने मटरिंग की उसने मटरिंग होता है स्पीकिंग समथिंग इन वॉइस बड़बड़ाना एक जादू स्टेप प्यारे बच्चों वो मंत्र क्या है अरस्टालम मरस्ताडम अरस्ताडम बोना ये मंत्र था ये उसने बुड़बुड़ाया दिस लिटल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली वी आर टू एज्यूम दैट द पर्सनैलिटीज चेंज बॉडीज अब हमें पता लगता है हम मान जाते हैं हमें बताया जाता है दिखाया जाता है कि अब व्यक्तित्व बदल चुके हैं आफ्टर द स्पेल हैज बीन स्पोकन अब ज स्पेल जो है वो बोला जा चुका है मंत्र का अरस्टा लम अरस्टा डम अरस्टा लम अरष्टा लंडुम बोना ये स्पेल बदल चुका है बोथ विमेन दोनों लेडीज स्टिल ग्रेस्पिंग हैंड्स अभी भी हाथ पकड़े हुए हैं गोलेक्स बिल्कुल निर्जीव पड़ी हुई है लेक्स होती लूज ढीली ढाली बिल्कुल स्थिर पड़ी हुई है एज इफ द लाइफ वर्क आउट ऑफ देम जैसे कि उनके अंदर से जीवन ही चला गया हो न बोथ केम टू लाइफ बट विद द पर्सनैलिटीज ऑफ अदर दोनों जीवित हो उठती है लेकिन अलग अलग पर्सनैलिटीज आ जाती है यानी मिसिज पियर्सन में पर्सनैलिटी है मिसिस फिजराल्ड की मिसिज फिजराल्ड में पर्सनैलिटी है मिसेज पियर्सन की सो नाउ मिसिज पियर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग एंड मिसिस फिजरल्ड इज नर्वस एंड फ्ल्टरिंग एसहज है और कांपने वाली है कौन मिसिज फिजर क्योंकि पर्सनैलिटी किसकी है मिसिज पियर्सन की मिसिज पियर्सन अब किस पर्सनैलिटी उसके अंदर फिजर की है ना नाउ विद विदिज फिजरैलिटी सी वट आई मीन डियर लाइक जो मेरे कहने का मतलब है प्यारी सी नोटिस इज द सिगरेट सिगरेट की तरफ नोटिस करती है ध्यान देते हे यू डोंट वॉन्ट दैट चाहिए सी स्नैचिज इट एंड पुट्स इट इन हर ओन माउथ पफिंग कंटेंटिडली वो एक सिगरेट छीनती है एंड पुट्स इट इन हर ओन माउथ और अपने माउथ में डालती है कौन मिसेज पियर्सन जिसके अंदर पर्सनैलिटी कैसी है मिससेज फिजर की पफिंग कंटेंटेडली और सुट्टा लगाती है पफिंग मेन सिगरेट को अपने अंदर कश लगाते हुए स्मोकिंग करते हो पफिंग होता है स्मोकिंग कश लगाते हुए ऐसे उंगलियों में दबा के माउथ में और फिर पफिंग करते हैं ना प्यारे बच्चों स्मोकिंग कंटेंटेडली और बिल्कुल फिर वो जैसे स्मोक वो धुआं अंदर जाता है वो संतुष्टि दिखाती है वो सीन है यहाँ पे मिसिज फिजरन नाउ विद मिसेस पियरसन पर्सनैलिटी लुक्स डाउन एट हर सेल्फ एंड सीज दैट हर बॉडी हैज चेंज एंड गिवज़ अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट अपनी तरफ देखती है और ये देखती है कि उसकी बॉडी चेंज हो गई है और वो डर के मारे चिल्ला पड़ती है स्क्रीम होता है चिल्ला ना फ्राइट डर के मारे मिसेज फिजर विद मिसिज पियरसन इट्स अत्यंत संतुष्टि से ऑफकोर्स इट्स है इट हैजन वेरी नीट डेंट नो आई हैड इट इन मी क्या तुझे पता नहीं डेंट नो आई हैड इट इन मी क्या ये मेरे साथ हुआ है कि समझ नहीं पा रहे मैं समझ नहीं पा रही कि ये मेरे साथ हो गया मिसिज फिजर अलार्म ध्यान रख चेतावनी देती है बट वट एवर सेल आई डू मिसेज फिजर जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कॉन्ट सी मी लाइक दिस जोर्जोर चिल्ड्रन मुझे ऐसे नहीं देख सकते मिसिज पियर्सन ग्रिमली सीरियसली गंभीरता से दे आर गोइंग टू वो देख भी नहीं पाएंगे दैट्स द पॉइंट यही तो पॉइंट है दे विल हैव मी टू डील विद ओनली दे वॉन्ट नो जब तक उन्हें पता उन्हें पता ही नहीं चलेगा दे विल हैव टू देव मी टू डील विद मेरे साथ ही डील करना पड़ेगा उन्हें ओनली दे वॉन्ट नो इट जब तक उन्हें पता नहीं चल पाता मिस इस वेल स्टिल अरार्म ध्यान रखना बट वॉट इफ वी कॉन्ट चेंज बैक लेकिन क्या होगा मिसिस फिजलैंड में जिसके अंदर पर्सनैलिटी है मिसिस पियर्सन की अब मिसेज पियर्सन बोल्ड हो चुकी है फिजर जो है वो कॉमल हो चुकी है यदि क्या हुआ यदि पर्सनैलिटी चेंज ही ना हो पाई तू तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को रख लेगी इट वुड बी टेरिबल ये तो बड़ी भयानक चीज होगी मिसिज पियर्सन हे स्टडी मिसिज पियर्सन इफ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुडेंट बी सो बैट यदि तुझे जीना पड़ा ना मेरा मेरे जीवन मिसिज पियर्सन कह रही है यानी कि मिसिज फिजरैल्ड की, की पर्सनैलिटी कह रही है तो इतना बुरा नहीं है मेरा जीवन यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू मेरे में बनके यानी कि मिसिज फिजर लाइफ में बहुत ज़्यादा आनंद है इसकी बजाय मिसिज पियर्सन की बजाय कहाँ तेरे बच्चे और हस्बैंड को रख लूंगी मिसिज पेयजन यस बट आई डोंट वॉन्ट टू बी एनी वन सेल्स एनी बडी एल्स लेकिन मैं कोई और नहीं बनना चाहती मिसिज पियर नाउ स्टॉफ वरिंग चुप हो जाए टेंशन बंद कर इट्स ईजियर चेंजिंग बैक बहुत आसान है बदलना आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट जब हमें चाहिए होगा ना बदलना बदल दूंगी मिस वेल डू इट नाउ बदल फिर अभी बदल तो बन जाएगी मिसिस पियर्सन नॉट लाइकली ऐसे नहीं आई हैव गोट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट पहले तेरे परिवार को तो सीधा कर दू दैट्स द आइडिया इजेंट इट डिडन्ट नो हाउ टू बिगिन विद दैम यू सेड तुझे पता नहीं क्या उनके साथ कैसे डील करना वेल आई विल सो यू मैं दिखाऊंगी तुझे मिसिज फिजरल्ड बट वॉट एम आई गोइंग टू डू लेकिन मैं क्या करूँगी मिसिज पियर्सन गो इन टू माई हाउस फॉर अ बिट कुछ टाइम के लिए मेरे घर चली जा देर इज नो बॉडी देयर कोई नहीं है वहाँ देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग फिर आ जाना वापस और देख लेना हम कैसे काम कर रहे हैं यू वोट टू इन्जॉय इट बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स इससे पहले कि कोई आए चली जा मिसेस फिजलैंड नर्वसली राइजिंग एज होते हुए उठती है यस आई सपोज दैट्स बेस्ट व्यू यू आर श्योर आई विल बी ऑल राइट इट विल बी ऑल राइट मिससेज पियरसन चकलिंग हंसते ऐसे हंसते हुए इट विल बी वंडरफुल ऑल राइट नहीं वंडरफुल होगा आश्चर्यजनक नाउ ऑफ यू गो डियर अब चली जा मेरी दोस्त मिससेज फिजलैंड क्रोसेज एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट लेफ्ट टू हर सेल्फ मिसेज पियरसन स्मोक्स अवे पीती है वो धूम्रपान करती है लाइटिंग अनदर सिगरेट अब सिगरेट की स्पेलिंग भी चेक कर लो सी आई जी ए आर एक डबल टी ई प्यारे बच्चों याद रखनी है एंड बिग्स लेंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंट्स ऑन द टेबल अब वो कार्ड का गेम भी फैलाने लगती है आफ्टर फ्यू मोमेंट डोरी पियरसन कम्स वर्स्टिंग इन लेफ्ट कुछ क्षण बाद डोरिस पियर्सन आपको पता है ना डोरिस जो है वो बेटी है वो आती है बर्स्टिंग इन होता है अचानक तथा शोर करते हुए एंटरिंग अ रूम सडनली एंड नॉइसली उसको बोलते हैं बर्स्टिंग बर्स्टिंग मीन्स फुट पड़ना अचानक आ धमकना वो डोरिस पियर्सन आती है अचानक शोर शराबा करते हुए लेफ्ट साइड से सी इज़ अ प्रीटी गर्ल इन हर अर्ली ट्वेंटीज यानी उन्नीस अट्ठारह उन्नीस वर्ष की सुंदर दिखने वाली लड़की है हु वुड बी प्लेजेंट इनफ इफ सी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड जो और अधिक सुंदर होती सुहावनी होती यदि वो बिगड़ ना गई होती बिगड़ी हुई लड़की है डोरिस बिफोर सी हैज़ टेकन एनीथिंग इन इससे पहले कि उसे कुछ समझ में आता माम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क क्या आप, आपको आपने मेरी करनी होगी आयरन प्रेस करनी होगी मेरी येलो सिल्क के कपड़े आई मस्ट वेयर इट टो नाइट सी नाउ सीज वट इज़ हैपनिंग एंड इज एस्टाउंड अब एस्टाउंडेड अब वो देखा उसने देखती है क्या हो रहा है और वो एस्टाउंड में सरप्राइज आश्चर्यचकित होती है वट आर यू डूइंग सी मोव डाउन लेफ्ट सेंटर क्या कर रहे हो माँ आप मम्मी सेंटर की तरफ जा मिसिज पियरसन नाउ यूजेज हर ऑर्डनरी ऑर्डनरी वॉइस बट हर मैनर इज नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिक बट कूल एंड इंसेजिव अब मिसेज पियर्सन जो है वो अपनी आम आवाज का इस्तेमाल करती है यानी सहज होते हुए वो बोलती है लेकिन अब उसकी आवाज़ में प्यारे बच्चों वो घबराहट नहीं है और वो इंसिज़िव इंसिजिव मेज एबिलिटी टू टेक डिसीजन एंड एक्ट फोर्सफुली निर्णय लेने की शक्ति तथा शक्ति सहित काम करने की योग्यता अब उसमें आ चुकी है तो वो इंसिजिव हो गई है कमांडिंग उसकी वॉइस हो चुकी है अब वो घबरा नहीं रही है तो क्या होता है देखते हैं मिसिज पियर्सन नॉट इवन लुकिंग ऑफ ऊपर भी नहीं देखा उसकी तरफ अपनी बेटी की तरफ वट वुड यू थिंक आई एम डूइंग तू क्या सोच रही है कि मैं क्या कर रही हूं वाइट वॉशिंग द सीलिंग क्या मैं सीलिंग पे सफेदी कर रही हूं है यानी कि उल्टा जवाब जैसा वो चाहती है वैसा जवाब नहीं उल्टा जवाब दिया डोरिस स्टिल एस्टाउंडेड अभी आश्चर्य में वट यू आर स्मोकिंग दैट्स राइट डियर नो लॉ अगेंस्ट इट इज देयर प्यारी बेटी कोई कानून बना है क्या मैं स्मोकिंग नहीं कर सकती या है कोई बट आई थॉट यू डेंट स्मोक देन यू थॉट रॉन्ग लड़की ने कहा डोरिस ने मैंने सोचा कि आप स्मोक नहीं करते मैं सोच मैंने सोचा था तो तेरी सोच ही गलत है पियर्सन ने कहा मैसेज पियर्सन ने तेरी सोच ही गलत है डोरिस आर वी हैविंग टी इन द किचन क्या चाय है मिलेगी किचन में इट वेयर यू लाइक डियर ले लो जहाँ से तुझे अच्छी मिले अच्छी लगे? कहती कहती है है है। है है। कि कि आपका मतलब चाय चाय तैयार तैयार नहीं है। Pearson कहती है कि तेरी नहीं तेरी जितनी मुझे चाहिए थी मैंने ले ली माइट गो आउट लेटर एंड अ अर मील एट द अब मिसिज पियर्सन जो है वो कहती है अपनी बेटी को बाद में बाहर जाना एंड गट आ स्क्र मील खाना ले लेना एट द कलेंडर डन जगह का नाम है उस जगह से खाना ले लेना डोरिस हार्डली बिलीविंग हर इयर्स हु माइट कौन लेगा आई माइट हु वुड यू थिंक मैं लूंगी और तूने क्या सोचा स्टेयरिंग एट हर घूरते घूर्म व्हाट्स द मैटर विद यू क्या हो गया आपको डोंट बी सिली पागल मत बन इंडिग्नेंटली डोरिस असहज होते हुए आश्चर्य दिखाते हुए इंडिगनेंटली होता है प्यारे बच्चों सोइंग एंगर एंड सरप्राइज इट्स नॉट मी दैट्स बींग सिली ये मैं नहीं हूँ जो मूर्ख हूँ एंड आई मस्ट से इट्स अ बिट मच वेन आई हैव बिन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कॉन्ट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी डिड यू हीयर वट आई सैड अबाउट माई येलो सिल्क मैं सारा दिन बार काम करती हूँ और आप चाय भी नहीं देते क्या आपकी समझ में नहीं आया क्या आपने सुना नहीं मेरी येलो सिल्क के बारे में नो डोंट यू लाइक इट ना अब तुझे ये पसंद नहीं क्या आई नेवर डिड मैंने नहीं कभी भी किया ये मैं नहीं करूँगी डोरिस इंडिग्नेंटली फिर से ऐसा जो ऑफ कोर्स आई लाइक इट एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टू नाइट हाँ मैं पसंद करती हूँ इस येलो सिल्क को और मैं इसको पहन के जाऊँगी आज सो आई वॉन्ट इट आयरन इसलिए मैं आपसे चाहती थी कि आप इसको प्रेस कर दें मिसिस पियर्सन वॉन्ट इट आयरन प्रेस कर दूँ वट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू आयरन इट सेल्फ तू क्या सोचती है कि मैं इट्स गोइंग टू डू मैं तेरे लिए करने जा रहा हूँ आयरन इट सेल्फ जाब नहीं आप करी इसको मारूँगी थप्पड़ कहीं आई डोरिस नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी नहीं आपको करनी है यू ऑलवेज डू हमेशा करती हो आप मिसिस पियर्सन वेल दिस टाइम आई डोंट मैं नहीं करती आई डोंट टॉक रबिस टू मी एंड डोंट टॉक रबिस टू मी अबाउट वर्किंग आर्ड और ये रबिस मीन्स नॉन सेंस यहाँ पे ये नॉन सेंस बातें मत करो मेरे साथ कि मैं आर्ड वर्क कर रही हूँ आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू डोरिस पियर्सन I put in twice the hours you do and get no wages nor thanks of it. मैं दुगना काम करती हूँ तुमसे डोरिस मिसिज पियर्सन कह रही है अपनी बेटी को और इसके बदले में कोई मजदूरी कोई पैसे भी नहीं लेती वेजेज और ना कोई थैंक यू कहता वाई आर यू गोइंग टू wear यूर येल्लो सिल्क क्यों पहन रही है तू आज क्यों क्यों पहने गया ये येल्लो सिल्क को वेर आर यू गोइंग कहाँ जा रही है तू डोरिस सल्किली सल्किली मीन्स इन अ बैड टेम्पर्ड वे क्रोध से भरते हुए क्रोध में आते हुए सल के लिए आउट विद चार्लिस मैं अपने बॉयफ्रेंड चार्लिस पेंस के साथ आज रात घूमने जा रही हूं मिसिज वाई क्यों जा रही है डोरिस वाइल्डली असहज होते हुए वाई वाई क्यों क्यों व्हाट्स द मैटर विद यू क्या हो गया आपको वाई स्टूडेंट आई गो आउट विद चार्लिस पेंस इफ यू टेक्स मी एंड आई वॉन्ट टू मैं क्यों नहीं जा सकती क्यों नहीं जाना चाहिए मुझे चार्लिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ यदि वो मुझे ले जाना चाहे और मैं जाना चाहूं तो क्यों नहीं जाना, जा सकती एनी गो ऑन यू माइट एज वेल टेल मी तुमने तुम ही तो हमेशा मुझे कहती रहती हो मिसिज पियर्सन सिवरली थोड़ी गंभीर होते हुए सीरियसली कॉन्ट यू फाइंड एनी बॉडी बेटर कि तुझे इससे बेहतर नहीं मिला चार्लिस पेन्स से बेहतर बॉयफ्रेंड नहीं मिला आई वुडंट बी सीन डेड विद चार्लिस पेंस मैं चार्लिस पेंस को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के बजाय मरना पसंद करूंगी बक एंड हाफ विटेड उसके बक जैसे दांत है टॉप टिथ डेट स्टिक फॉरवर्ड दांतला जिसके ऊपर के दांत बाहर निकले उसको कहते हैं प्यारे बच्चों बक टिथ दांतला वो दांतला हाफ विटेड स्ट्यूपिड पर्सन मूर्ख वो पागल वो आधा द पागल और दांतला उस दांतले से अच्छा नहीं मिला क्या तुझे चार्लिस पेंस बकटिथ एंड हाफ विटेड यानी मिसेस पियर्सन इज मेकिंग फन ऑफ द बॉयफ्रेंड ऑफ डोरिस पियर्सन हु इज चार्लिस पेंस ही सी टेल्स हिम हाफ विटेड एंड बकटिथ मीज हाफ माइंडेड पर्सनैलिटी नॉट लुकिंग प्लीजेंट एंड मिसिज पियर्सन सेज दैट सी विल बी रेडी टू डाई इंस्टेड ऑफ मेकिंग बॉयफ्रेंड a person like charles spence doris he isn't he ऐसा नहीं है वो charles spence mrs pearson when i was your age जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना i would have found somebody better than charlie spence तो मैंने ढूं मैं ढूंढ सकती थी तुम इस charles spence से अच्छा और given myself up as a bad job या नहीं ढूंढती ना तो मैं अब अप अपने आप को एक बुरी कंडीशन में बुरे काम में लगा लेती लेकिन चार्ली स्पेंस को के साथ नहीं जाती डोरिस नियरली इंटीयर्स अब उसके बॉयफ्रेंड की इंसल्ट कर दी तो लगभग रोने लगती ओह शट अप मम्मी चुप हो जाओ प्लीज डोरिस रनस ऑफ लेफ्ट रोती रोती लेफ्ट की तरफ चली जाती है मिसिस पियर्सन चक्कल हंसती है अपनी बेटी का मजाक उड़ाती है एंड पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर और पत्तों को ताश को इकट्ठा करने लगती है आफ्टर मोमेंट साइरिल पियर्सन एंटर्स अब आ हा 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 लड़का बॉय कमिंग अब देखना ही इज द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस वो बस लड़का है नहीं तो डोरिस जैसा ही दिखता है अपनी बहन जैसा ही दिखता है साइरिल ब्रिस्कली तेजी से हेलो मम टी रेडी हाय मम्मी चाय तैयार है मिसिज पियर नो सॉरी मूविंग टू द टेबल अनोयड टेबल की तरह तो मूर्ति वैसे तो आ रहा है स्टाइल में और जब उसे उसके अकॉर्डिंग जवाब मिलता है नहीं मिला तो चिंतित होता है अनोयड व्हाई नॉट मिसिज पियर्सन कोली लेली शांति से आई को डबाउ मुझे इसकी चिंता नहीं थी फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग कोई परेशानी है या कुछ नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ आज जितना आनंद ले रही हूँ ना इससे पहले इतना आनंद आया ही नहीं साइरिल एग्रेसिवली थोड़ा गुस्से में होते हुए व्हाट्स द आइडिया देन तो फिर ये क्या बोल तो हुई कि चाय नहीं है मिसिज पियर जस्ट अ चेंज बदलाओ साइरिल ब्रिस्कली तेजी से वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग हैवंट टू मच टाइम स्नैप आउट ऑफ इट टू मेक एन एफर्ट टू स्टॉप फीलिंग अनहैप्पी एंड डिस्ट्रेस्ड दुखी महसूस करना बंद करने के लिए प्रयास करना एंड गेट क्रैकिंग टू बिगिन इमीडिएटली एंड वॉक क्विकली तुरंत आरम्भ करना काम और जल्दी जल्दी काम करना ठीक है वनट टू मच टाइम मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है मम्मी जल्दी करो मेरा जो काम करना है आपने सर साइर इज़ अब आउट टू गो वन मिसिज पियरसन्स वॉइस चेक सेम वो जाने वाला है जब मिसिज पियरसन्स की आवाज़ उसे चेक करती है कि रे रुक मिसिज आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम मेरे पास वोट टाइम है साइर यस बट आई एवेंट गोट अ बिजी नाइट टू डाई बहुत बिजी हूँ आज तो रात तो मैं मूविंग लेफ्ट टू द डोर डिड यू पुट माई थिंग्स आउट क्या मेरा सामान बाहर रख दिया है मिसिज पियरसन को ली कॉन्ट रिमेंबर मुझे तो याद ही नहीं बट आई डाउट इट संदेह है मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंगली विरोध करते हो नाउ लुक वेन आई आस्ट यू दिस मॉर्निंग। यू प्रोमिस्ड यू सेड यू वुड हैव टू लुक थ्रू दैम फर्स्ट इन केस देर वॉज एनी मैंडिंग यदि कोई उनमें ठीक करने की कोई चीज़ थी मैड करने की सुधारने की थी तो तुमने सुधारनी थी वो चीज़ें ठीक करनी थी और बाहर निकालनी थी तुमने ही तो सुबह वादा किया था मिसिज पियर्सन येस वेल नाउ आई है डिसाइडेड आई डोंट लाइक मैंडिंग अब मैंने निर्णय लिया है कि मैंडिंग मीन्स रिपेयरिंग मरम्मत करना अब मैंने निर्णय लिया है मुझे पसंद नहीं है मरम्मत करना Cyril, that's a nice way to talk. What would happen if we all talked like that? यदि हम भी इसी तरह बात करें तो फिर क्या होगा झगड़ा हो जाएगा ना Mrs. you all do talk like that. तुम तो करते हो If there is something at home you don't want to do, you don't do it. यदि घर पर कुछ करने के लिए है तो तुम नहीं करते तुम उसे करना नहीं चाहते If it's something at your work, you get the union to bore it. तो यदि तुम्हारे साथ काम पे कुछ ऐसा होता तो तुम यूनियन के पास जाते हो आंदोलन करते हो नाउ ऑल दैट्स हैपन्ड इज़ दैट आई हैव जॉइंड द मोमेंट अब जो कुछ घर में होगा ना मैंने भी वो उस आंदोलन में शामिल हो लिया मैं भी विरोध करूँगी साइरिल स्टैगर्ड स्टैगर करते हुए साइरिल को थोड़ा सा यहाँ पे धक्का लगता है शॉक्ड एंड सरप्राइज वेरी मच विस्मित होते हुए आश्चर्यचकित होते हुए आई डोंट गेट दिस मेरी समझ में नहीं आया वोइंग ऑन क्या चल रहा है मिसेज पियर्सन लेकोनिक एंड सीनेस्टर लेकोनिक एंड सीनेस्टर मित भाषी लेकोनिक होता है थोड़ा सा कहना यूजिंग ओनली ऑफ यू वर्ड्स टू से समथिंग थोड़े से शब्द इस्तेमाल करना कुछ कहने के लिए और सेनेस्टर होता है सिमिंग इविल और डेंजरस बुरी या ख़तरनाक प्रतीत होते हुए मिसेज पियरसन चेंजेस क्या है ये बदलाव जैसे अमिताभ बच्चन जी मोहब्बतें में कहते हैं बदलाव के मैं अगेंस्ट हूँ और शाहरुख जी कहते हैं बदलाव तो यहाँ पे भी मिसिज पियरसन कहती है लैकोनिक बनते हुए थोड़े में ज़्यादा कहते हुए और सिनिस्टर थोड़ी स्ट्रोंग बनते हुए थोड़ी खतरनाक बनते हुए स्विमिंग इविल और डेंजरस दिखते हुए चेंजेस बदलाव डोरी सेंटर्स लेफ्ट डोरी आ जाती है सी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज़ नाउ वियरिंग अ रैप ड्रेस पहन रही है और साड़ी लपेट रही है रैप मीन्स सी लुक्स पेल एंड रेड आइड वो थोड़ी अहसहस नजर आ रही है और उसकी आँखें ला लाइट मीन्स सी वॉज क्राइंग मिसिज पियरसन यू लुक टेरिबल बड़ी भयानक दिख रही है तो बदसूरत दिख रही है आई वुडंट वियर द फेस इवन फॉर चार्लिस पेंट्स यहाँ तक किस तरह का चेहरा तो मैं चार्लिस पेंट्स जैसे बकटीथ और हाफ विटेड के लिए भी नहीं बनाती डोरिस मूविंग अबोट द टेबल एंग्रीली। ओ शट अप अबाउट चार्लिस पेंट्स एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी यट चुप हो जाओ चार्ली स्पेंस के बारे में बात करना और कुछ भी है मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ कहाँ अच्छी नहीं लग रही तैयार होंगी तभी तो कहोगे जस्ट ड्रेसिंग एंड इफ़ आई डू लुक मैं तो तैयार हो रही हूँ ड्रेस पहन रही हूँ इफ आई डू लुक टेरिबल इट्स योर फॉल्ट यदि मैं भयानक दिख रही हूँ तो ये आपकी गलती है यू मेड मी कराई आपने रुलाया है मुझे साइरिल क्यूरियस अहसहज होते हुए अजीब होते हुए वाई वट डिड सी डू क्या कर दिया बहना इसने दीदी क्या किया इसने डोरिस नेवर यू माइंड तू तू माइंड मत कर